हर किसी के दिल की धड़कनें जो है वो तेज होती जा रही है और आज रात कैसे गुजरेगी ये कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट जो है वो सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त तक मौजूद हैं शुरू की जाएगी, मगर इससे पहले सिक्योरिटी के कड़े हिफाजती इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे जो है सिक्योरिटी को लगाया गया है और वीडियो सर्विलेंस की टीम जो है लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस में भी जो है इस पूरे डिग्री कॉलेज को जो है रखा गया है। एंट्री एंड एग्जिट पुलिस है, उनको पूरी तरह से जो है सील कर दिया गया है। वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और उसके बाद तकरीबन 9 बजे के करीब जो है पहला ट्रेंड जो वोटों का होगा वो हम लोगों तक पेश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 10 हॉल जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं जहाँ पे 7 जो है हल्के इंतखाबों की वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स, माइग्रेंट वोट्स और जो सर्विस वोटर्स हैं उनको जो है 3 और हॉलों में जो है काउंट किया जाएगा। इस जनूबी कश्मीर के जिला अलग्राम में कुल 7 हल्के इंतखाब हैं जिनकी वोटिंग की गिनती जो है वो कल 8 बजे के करीब जो है शुरू होगी। जिला की तरक्याती कमिश्नर जो है 7 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और बाजा तो 8 बजे के करीब जो है वोटों की गिनती जो है शुरू की जाएगी। अब जो किस्मत का फैसला जो है वो पहली ही 18 तारीख शाम को जो है वोटर पोस्टल बैलेटों में जो है वो बंद हो गए हैं, ईवीएम्स के बंद हो गए हैं। उसके बाद जो है 8 बजे कल जो है उनको खोला जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कैंडिडेट जो है कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, किसकी जीत होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज शाम जब गुजरेगा तो कल जब सुबह आ जाएगा एक उम्मीद के साथ और उसके बाद जो है जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्मीद यही रहेगी कि शायद हर किसी की जो उम्मीद है वो यही है कि हर कोई कैंडिडेट जो है वो जीतना चाहता है, एक हारता है एक जीतता है। मैं आपको बता दूँ जिला रतलाम में जो है जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इल्तिजा मुफ्ती जो है इस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके महबूबा जो है डॉक्टर खुर्शीद अहमदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की तरफ से जो है 100 जो है वो ग्राउंड में जो है टूट पड़े अब्दुल मजीद लारवी और पीडीपी के जो सीनियर लीडर हैं और अब्दुल गफ्फार जो है वहाँ पे बीजेपी के रफीक पानी भी जो है वो अपना किस्मत जो है वहाँ पे आजमा रहे हैं। अनंतनाग ईस्ट से जो है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहमान वीरी और रियाज अहमद खान जो है मत मुकाबिल जो है पाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूर से जो है गुलाम अहमद मीर और दूर से गुलाम अहमद मीर और मेन अनंतनाग से डॉक्टर महबूब बेग जो है अपना किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। पहलगाम से जो है रफी अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अल्ताफ अहमद टुल्लू जो है वो अपनी किस्मत जो है वहाँ पे आजमा रहे। इसके अलावा जो डॉक्टर जो शबीर है जो डॉक्टर शबीर सिद्दीकी जो है वो पहलगाम से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा कुकरनाथ एसटी से जो है चौधरी हारून पीडीपी की टिकट पे और जो चौधरी सफर है वो नेशनल कांग्रेस की टिकट पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फसलुद्दीन साहब, पहला सवाल आपसे कल चौधरी है आज रात कैसे कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं ऐसे जर्नलिस्ट आपने बहुत सारे इलेक्शन काउंटिंग को कवर किया है कैसा रहेगा आज का माहौल रात का कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि काफी एक्साइटमेंट अभी से ही देखने को मिल रही है लेकिन जो उम्मीदवार है 64 उम्मीदवार अनंतनाग की 7 असेंबली डिस्ट्रिक्ट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। खैर सी बात है 3,36,000 के करीब राय के इंतजार इनकी किस्मत का फैसला करेंगे क्योंकि 64 में से खाली 7 सीटें हैं लेकिन मुकाबला जो है दिलचस्प होने के काफी आसार है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी पुराजुम है कि वही जीत पाएगी जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार काफी कॉन्फिडेंट है जी। वही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या आजाद उम्मीदवार या खासकर कांग्रेस पार्टी
तो इन पार्टियों के उम्मीदवार भी कम नहीं है। मुकाबला जो आसार लग रहे हैं अब्बास साहब जी, पहली ट्रेन जैसे आपने खूब कहा 9 बजे के आसपास जी हमारे मीडिया सेंटर में पहुंचे जी, हमारे पास आ सकती है, अवेलेबल हो सकती है। और मुझे लगता है क्योंकि अनंतनाग में सबसे कम वोट गिनने हैं 27,000 के करीब, और फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56,000, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है 2 या 3 बजे तक ये पूरे जो नताइज है हमारे सामने आएंगे, और 7 उम्मीदवार अपने आरोज यानी रिटर्निंग ऑफिसर से अपनी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और इस तरीके से जीत दर्ज करेंगे, और इसके साथ असेंबली इंतखाबात भी इख्तिताम पजीर होंगे जी जी। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्मेशन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन इस हवाले से क्या पेशरफ्त रहेगी। लेकिन मुझे लगता है जो यहाँ की खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो वक्त जाया नहीं करेंगे, और मुझे लगता है सेकंड भी जाया नहीं करेंगे। यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले ली और वहां से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से गुप्त शनीद होंगे, सलाह मशवरा चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ देखना अभी बाकी है सर। अरेंजमेंट्स के हवाले से कड़े हिफाजती इंतजाम, सीसीटीवी सर्विलेंस हर घंटे के बाद सिचुएशन को मॉनिटर किया जाता है, अंदर लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। इस इहाते पे शहीद हिमायू और गोमेंट डिग्री कॉलेज आलेदार में जहाँ पे इसमें 1 महीने से लगातार इसको सील कर दिया गया। जी अब्बास साहब मैं आपको बता दूँ, बट आई वॉज टोल्ड बाई द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हमीद, ही टोल्ड मी नॉट लेस देन 400 एम्प्लॉइज आर डिप्लॉयड फॉर द काउंटिंग ऑफ वोट्स, एंड इट सीम्स देयर इज अ थिन टायर सिक्योरिटी। आई वॉज टॉकिंग टू SSP अनंतनाग डॉक्टर जी वी संदीप चक्रवर्ती, हु सेड देयर इज अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस। तो जहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हम देख रहे हैं मेन गेट से, वही जो पोलिंग अमला है वो भी अपनी अपनी जगह, मुझे लगता है उन्होंने आज ही एक रिकी किया है। और रिटर्निंग ऑफिसर एस्टैब्लिशड इन द कॉलेज, देर आर ओनली 7 काउंटिंग सेंटर्स, बट देर आर एक्स्ट्रा 3 हॉल्स, आई मीन दोस टू हॉल्स आर एक्सक्लूसिवली पोस्टल बैलेट्स फॉर 2 हॉल्स फॉर पोस्टल बैलेट्स एंड 1 हॉल फॉर द स्कैनिंग ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज वोट। तो कोई ऐसा भी वोट है जो सिक्योरिटी फोर्सेज में काम करता है जिसका वोट स्कैन किया जाएगा, सर्विस वोट। तो जाहिर सी बात है कि 10 हॉल इन प्लेस है, और हर एक टेबल पे मुझे लगता है कि एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, और मुझे लगता है वहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर भी हो सकता है, और पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके नुमाइंदे वहां पे होंगे, और इस तरीके से फुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काउंटिंग ऑफ वोट्स अमल में लाया जाएगा। चलिए आपने हमारे साथ बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया से दस रुपये चुके का कि कल 8 बजे के करीब जो है काउंटिंग जहाँ पे शुरू होगी, वोटों की गिनती जो है वो 8 बजे शुरू होगी, और पहला ट्रेन जो है वो तकरीबन जो है 9 बजे के करीब मीडिया सेंटर में पहुंचेगा। पर फिलहाल आपसे रुख्सत होने से पहले, यही वो जगह है जहाँ पे कल 7 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कड़े सिक्योरिटी इंतजाम जो है किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF को जो है बिल्कुल लगाया गया है, और जो भी गाड़ी जो है अंदर या अंदर से बाहर जाती है उसको जो है पहले चेक किया जाता है, और बाजाबत तौर जो है उसके बाद उनको एंट्री दी जाती है। और कल 7 बजे के करीब पोलिंग अमला जो है, जो काउंटिंग एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। अर्ली टाइम्स अनंतनाग।